स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और कई बार मुझे कमेंट्स प्राप्त हुए कि कक्षा 5 की हमारा प्रवेश का भी वीडियो बनाओ, जो कक्षा 5 में चलती है किताब हमारा प्रवेश। तो उससे मैं ये चैप्टर 6 लेके आया हूँ आज, और इसका नाम है वन जीवों का संरक्षण। ये एप्यूटेट की दृष्टि से और सीटेट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2-1 प्रश्न आपको अवश्य मिलते हैं, और कक्षा 5 वाले भी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं पाठ। आपने अपने आसपास अनेक जानवरों को देखा होगा। इनमें कुछ जानवर पालतू होते हैं जिन्हें हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं, और कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं। ऐसे जानवरों को वन जीव कहते हैं। जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम वन जीव कहते हैं, और जो पालतू जानवर होते हैं घरों में रहते हैं उनके लिए हम पालतू जानवर कहते हैं। अब ये लिखा है, चित्रों को देखकर पालतू और जंगली जानवरों की सूची बनाइए। तो हमें यहाँ पे पालतू जानवर और जंगली जानवर की सूची हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप इसमें से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ये है सूची। आगे चलते हैं। जब जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं, हम इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में इन जंतुओं पर निर्भर हैं। बैल, खच्चर, ऊंट, घोड़ा आदि जुताई, बोझा ढोने तथा सवारी ढोने का काम करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी से दूध मिलता है, मुर्गी, बतख से अंडा मिलता है, और इसी तरह मरे हुए जानवरों की खाल तथा हड्डियों से जूते, पर्स, बटन और कंघी तथा अन्य सजावट की सामग्रियां बनती हैं। भेड़, ऊंट, याक जैसे जंतुओं से हमें ऊन मिलता है। अब हमें यहाँ क्या भरना है देख लेंगे। तालिका पूरी करें। यहाँ हमें भरना है कि उपयोगी वस्तु और पदार्थ का नाम, ठीक है, और इसमें भरना है कि किसके द्वारा हमें प्राप्त होती है और उसका हम निर्मित वस्तु उससे क्या बनता है, वो यहाँ पर भर देने हैं। आप देख रहे हैं तालिका कंप्लीट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यदि चर्चा करते हैं, ये देख रहे हैं आप पहला चित्र है, ये जो पहले वन बहुत अधिक थे, जंगली जानवर बहुत अधिक थे, लेकिन उससे बाद थोड़ा विकास हुआ तो लोग खेती करने लगे और घर बनाने लगे, वनों को काट कर खेती करना प्रारंभ कर दिया। और आज का समय ऐसे आया है कि बहुत बड़े बड़े शहर चीनी मिल लग चुके हैं और जंगल हमारे, वन हमारे कम हो गए हैं। तो यदि ये उपयोगी जंतु हमारे जीवन से धीरे धीरे विलुप्त होते जाएं तो क्या होगा, कटते जंगल और विलुप्त होते जीव। जब जंगल कट रहे हैं तो वो उसी हिसाब से जो जीव हैं वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। ऊपर बने चित्रों को देखें, इन चित्रों में क्रमशः परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, मैंने आपको बता दिया। आई जाने ऐसे क्यों हुआ। आज से बहुत साल पहले घने जंगल हुआ करते थे। इन जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे एवं अन्य जीव पाए जाते थे। पेड़ पौधों एवं वन जीवों की संख्या भी बहुत अधिक थी। जनसंख्या बढ़ने के साथ आवश्यकताएं बढ़ी। खेती करने व मकान बनाने के लिए हमें अधिक भूमि की आवश्यकता हुई। इस कारण घने जंगलों की कटाई शुरू या प्रारंभ की गई, जिससे पेड़ पौधे कम हो गए। पेड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण वर्षा कम होने लगी और नदियां सूखने लगी। इसका असर जंगल में रहने वाले वन जीवों पर पड़ा। सुरक्षित स्थान एवं भोजन एवं पानी की कमी के कारण इनकी संख्या कम होने लगी। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां तो पूरी तरह खत्म हो गई हैं। कारखानों और रेलवे लाइन और सड़क व बांधों आदि के निर्माण कार्यों ने बहुत से जीव जंतुओं के घरों को नष्ट कर किया। इसके परिणामस्वरूप पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आई। कुछ लोग अपने फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। बाघ, शेर, हिरन, कछुआ आदि जानवरों की खाल का अवैध व्यापार किया जाता है। गैंडों व बारह सिंगों को उनकी सींग के लिए मारा जाता है, मार दिया जाता है, और इन कारणों से वन जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पशु पक्षियों की वे प्रजातियां जो पूरी तरह समाप्त या खत्म हो चुकी हैं, वो उन्हें हम विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। जो पक्षी पशु खत्म हो गए, उनकी जाति ही खत्म हो गई, तो उनको हम विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ये प्रजातियां अब दिखाई नहीं देती हैं।
जबकि कुछ प्रजातियां खत्म होने की कगार पे हैं, उन्हें हम संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, जो प्रजातियां, जो जानवर, पशु पक्षी जो बिल्कुल भी पृथ्वी से खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो गए, तो उनके लिए हम विलुप्त प्रजाति कहते हैं, और जो खत्म होने के कगार पे हैं उनके लिए हम कहते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। तो हमारी ये सूची बनी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं विलुप्त प्रजातियां कौन कौन सी हैं। डायनासोर है, मेमथ है, लाल पांडा है, डोडो पक्षी है और लाल तोता है। ये प्रजातियां बिल्कुल भी हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है। और संकटग्रस्त देख लेंगे तो ये है, आप देख रहे हैं गौरैया है, अफ्रीकन हाथी है, बाघ है, गिद्ध है, शाही है, शेर, काला हिरण और बारहसिंगा कछुआ। ये प्रजातियां जो है खत्म होने वाली हैं, इन पर संकटग्रस्त प्रजातियां कहेंगे इनके लिए। ये चित्र आप देख रहे हैं डायनासोर का और डोडो का। इसके बाद ये पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है यूपीटेट के लिए ये वाला, क्योंकि इसमें दिए हुए हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यान। इसमें से एक नंबर, दो नंबर का अवश्य प्रत्येक यूपीटेट में आता है, तो ये याद कर लेंगे। जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है, और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। अब आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजराती तो कई बार आता है एग्जाम में, तो ये सही से याद कर लें, ये गुजरात में है। इसके बाद आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में पड़ता है आपका। और जिम कार्बेट, सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कार्बेट कहलाता है, ये उत्तराखंड में पड़ जाता है। इसके बाद आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में पड़ता है। और काजीरंगा तो कई बार आता है एग्जाम में, इसको याद कर लें, ये असम में पड़ता है। अब आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आता है कान्हा कसली अभयारण्य, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है जाके। और इसके बाद आता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में पड़ता है। तो ये थे राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश के। अब पढ़ते हैं आगे, वन जीवों का संरक्षण, वन जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। जानवरों की खाल, दांत, हड्डी, सींग का अवैध व्यापार पर रोक लगा दी गई है। पशु पक्षियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं अन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। अन्य स्थानों में वन जीवों का शिकार करना मना होता है, यहाँ पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अब चर्चा करते हैं गौरैया के ऊपर, गौरैया को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये भी जान लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड जोन क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक, सॉरी रेड डाटा बुक वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बाद आता है गौरैया को बचाने के लिए हम हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, ये याद कर लेंगे, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है बाघ, और हमारा राष्ट्रीय पशु है, बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में है, इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर लागू की गई है। ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई थी और ये 1973 में इसका प्रारंभ किया गया था, ये चीज याद कर लेंगे। अब आता है नया, नेक्स्ट, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता, दिए गए चित्रों को देखिए और पढ़िए। ये अब ये पिटारी ही मेरा घर बन गया है, सांप के लिए जब सपेरा पकड़ लेता है और वो अपने पास एक पिटारी में रखता है, तो सांप कह रहा है ये पिटारी ही मेरा अब घर बन गया है, मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना भी भूल गया हूँ। इसके बाद आता है भालू भी, ये मत सोचो कि मैं सर्कस में नाचकर कूदकर और कई तरह के करतब दिखाकर खुश हूँ, अगर मैं ये सब ना करूँ तो भूखा रहूंगा ये सर्कस में। इसी प्रकार बंदर कहता है नाचते नाचते मेरी हालत खराब हो जाती है, कभी कभी तो खाली पेट नाचना पड़ता है। इसके बाद आता है पिंजरे में बंद रहकर मैं खुली हवा में सांस लेने लेना भूल ही गया हूँ, इस पिंजरे में रहकर मेरे पंखे किसी भी काम के नहीं रहे। ये जानवर उदास क्यों है, क्योंकि इन्हें एक बाउंडेशन में रखा गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, प्रायः आपने मदारी, सपेरे आदि के बारे में सुना होगा, मदारी बंदर भालू आदि का खेल दिखाता है, इसी तरह सपेरा तरह तरह के सांप दिखाता है तथा अपनी बीन की धुन पर उन्हें नचाता है। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन जानवरों पर निर्भर होते हैं, ये लोगों का मनोरंजन करते हैं और बदले में लोग इन्हें अनाज, पैसा आदि देकर जीवन यापन, गुजर बसर में इनकी मदद करते हैं। हम जानवरों पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर होते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न जानवरों को पालते हैं। जानवरों को पालने के साथ साथ
हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके भोजन चिकित्सा और व्यवस्था करना चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर या छत पर उनके दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवरों को भी हमें छेड़ना नहीं चाहिए, यदि संभव हो तो उन्हें भी खाना देना।